मित्रों, बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक FIR दर्ज कराई। FIR का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस FIR में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5,31,00,000 रुपए का गबन किया गया है। कुल 5,31,00,000 का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है, कि इन कारणों से इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी FIR को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60,00,000 रुपया जमा कीजिए, तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60,00,000 जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से इनको रिहा किया गया। इस मामले को लोगों ने चुनौती नहीं दिया इस मामले को, कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5,31,00,000 और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।